हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज अपने इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक नए बिंदु की तरफ ले चलते हैं, जिसको आपने क्लास सिक्स की बुक से पढ़ा होगा, लेकिन इंटरमीडिएट में आकर किसका होल डिस्क्रिप्शन आप स्टार्ट कर देते हैं। जब आप इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं तो आपको ब्रॉड डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज गेन कर सकें। तो आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं वही आपको बताने चल रहा हूं जो अमीबा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीबा प्रोटीयस। आज का टॉपिक अमीबा प्रोटीयस और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, उसको आप जानिए, सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, अमीबा प्रोटीयस, मैं जो चीजें बता रहा हूं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप नोट करते रहिएगा, इसको ध्यान में रखिए। इसके जो ईयर बताए जाएंगे, जो साइंटिस्ट बताए जाएंगे, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा शेष नहीं रहा। तो अमीबा प्रोटीयस, इसकी खोज रसल वॉन रोजनहॉफ ने किया था, एक ग्रीक साइंटिस्ट रसल वॉन रोजनहॉफ ने किया था, और ये थियरी इनकी दी गई थी 1755 में, 1755 में। तो रसल वॉन रोजनहॉफ ने जब 1755 में इस थियरी को दिया, तो यह नाम अमीबा प्रोटीयस कैसे देखा? उन्होंने एक सिंपल लिक्विड मींस पॉन्ड्स वाटर, पूल्स वाटर, डिचेज वाटर, ड्रीम वाटर, रिवर वाटर, बट नॉट बी मैराइन वाटर, नॉट बी साल्टी वाटर, और नॉट बी एनी कैटेगरीज ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ जो पॉन्ड्स वाटर है, पूल्स वाटर है, डिचेज वाटर है, ड्रीम वाटर है, ऐसे प्लेसेस पर वहां से हम वाटर के मॉलिक्यूल को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, थोड़ा सा वाटर को लेते हैं, और वाटर को लेकर के उसमें माइक्रोस्कोपिक विजन किया जाता है, उसका माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको देखा जाता है, और देखने के बाद उसमें एक आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स, एक छोटे ड्रॉप की तरह से संरचना दिखाई देती है, और कुछ समय ध्यान से देखने पर ऐसा दिखाई देगा, इस संरचना में जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या स्ट्रक्चर या जो है यह एक छोटा सा जीव है, क्योंकि इसमें लोकोमोशन हो रहा है, गति हो रही है। जब इसके विषय में अध्ययन किया गया तो ढेर सारे तथ्य और रहस्य खुलकर के सामने आए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात अभी ध्यान में रखिएगा, अमीबा प्रोटीयस नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अमीबा शब्द बना है एमोइबा माने अमाइबे से बना अमीबा, जिसका अर्थ होता है पौराणिक देवता। प्रोटीयस में आपने समझा है पौराणिक देवता, अमीबा क्या है? एक पौराणिक देवता। तो ग्रीक के अनुसार ये जो अमीबा जीव था, ये सबसे सूक्ष्म जीव था और सबसे प्रिमिटिव एनिमल लिया, सबसे प्रारंभिक जीव दिखाई दिया, और इस जीव में इसको कितनी ही बार अगर सेंटर से होकर के जो है काटा जाए, डिवाइड किया जाए, इसको सेंटर से होकर के काटा जाए इस तरह से, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी बार इसको डिवाइड किया जाएगा, ज्यादा सारी उसका सेंटर का पार्ट उसके अंदर पहुंचा, नया न्यूक्लियस का पार्ट उसके अंदर पहुंचा, तो आप पूरा डेवलप होकर के एक नया अमीबा तैयार कर लेता है। इसीलिए डॉक्टर आर एल कोटपाल ने अपनी बुक में लिखा कि यह एक दैत्य है। जैसे दैत्य को एक हाथ काटिए तो दूसरा हाथ निकल आता है, इस हाथ को काटिए तो फिर हाथ निकल आएगा, उसको कितने भाग में काटते रहिए। उन्होंने कहा कि यह सीजेंट है, समुद्री देवता है, ऐसा समुद्री राक्षस है। और वही रसल वॉन रोजनहॉफ ने कहा 1755 में यह ग्रीक का पौराणिक देवता है। तो दोनों नाम इसके दिए गए, किसी ने देवता की संख्या दिया तो किसी ने राक्षस। और तथ्य इसका यह, देवताओं में अमृत तो होता है, मृत्यु नहीं होती, अमीबा में भी अमृत तो होता है, मृत्यु नहीं होती। राक्षस को आप मारते रहिए, वो बार बार जीवित होता रहेगा, रक्त बीज की तरह से, उसके रक्त की जितनी बूंदेंगे नहीं उतने जो है राक्षस तैयार हो जाएंगे।
तो इस तरह से आपने देखा कि अमीबा में यह भ्रांति है, कहीं इसको देवता मान रहे हैं, कहीं इसको राक्षस माना जा रहा है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी आप देखिए इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है। हैबिट एंड हैबिटेट में मैंने आपको बताया कि यह आप जो है स्वच्छ आलावड़ी मैराइन नहीं आलावड़ी फ्रेश वाटर पोन्स पूल्स डिचेज वाटर तालाब का पानी झरने का पानी गड्ढे का पानी नहीं ऐसे जगह पर रुके हुए पानी में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा सा हटते हैं तो वहां पर इनकी संख्या कम मिलेगी, रनिंग वाटर रिवर वाटर मिलेंगे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो यहां पर ये देखा जाए पोखर तालाब झील झरने ऐसे स्थानों पर ये इनका वास पानी में किनारे पर अगर निकाला जाए थोड़ा सा पावर वाटर को लिया जाए और उसको ले करके देखा जाए तो वहां पर इनके जो है ये अमीबा आसानी पूर्वक आपको दिखाई देंगे। इस तरह से आपने देखा कि अब ये जो है बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीपल फिशन के द्वारा बहुविभाजन मल्टीपल फिशन के द्वारा बाइनरी फिशन कहा जाता है द्विविभाजन द्विविभाजन के द्वारा ये अमीबा अपना जनन करते रहते हैं। और जब ये ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाती है कि पानी सूखने की स्थिति में हो जाता है तो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है सिकोड़ लेते हैं अपने को और अपने ऊपर एक मोटी सिस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं ये पड़े रहते हैं। फिर से जब वाटर किक आता है तो वहां पर ये सिस्ट को ब्रेक करके बाहर आते हैं और फिर वाटर में फ्लो करना शुरू कर देते हैं और वाटर में आराम से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम प्रयोगशाला में अमीबा को कैसे बनाएंगे। एक बीकर ले लीजिए आप ध्यान से सुनिएगा। इसको कहा गया हे इन्फ्यूजन मेथड। हे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले अमीबा का संवर्धन किया था इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया हे इन्फ्यूजन मेथड। तो एक बीकर ले लिया जाएगा और एक बीकर सपोज दैट यहां पर आप देखिए एक बीकर ले लिया गया और बीकर को ऐसे ले लीजिए या आपके पास और कोई पॉट हो उसको ले लीजिए। उस पॉट में आप यहाँ पर आप पानी ले लीजिए थोड़ा सा तालाब गड्ढे का पानी ले लीजिए पोखर का पानी ले लीजिए। इसमें पानी आपने ले लिया इसमें थोड़ा सा भूसा डाल दीजिए भूसा भूसा थोड़ा सा इसमें भूसा डाल दीजिए ताकि अगर भूसा नहीं मिलता है तो ईस्ट डाल दीजिए थोड़ा सा ईस्ट डाल दीजिए और डाल करके इसको ऊपर से कवर कर दीजिए ढक दीजिए ऐसे इसको ढक दीजिए और छायादार स्थानों पर ले जाकर के इसको रख दीजिए। नम और छायादार स्थानों पर इसको ले जाकर के बर्तन को जहां पर धूप न जाती हो ऐसे स्थानों पर रख दीजिए। कुछ अमीबा बाहर से जो आपने पानी ले आए हैं उस पानी में कुछ अमीबा होने चाहिए। आप देखेंगे किसके अंदर उनका लोकोमोशन उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है फिर उस अमीबा से नए अमीबा कैसे पैदा हो रहे हैं किस प्रकार से पैदा हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको इसमें ढेर सारे ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे जहां पर आपने दो चार की संख्या में देखा था अब वहां पर ये सैकड़ों की संख्या में दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद वहां पर ये सैकड़ों की संख्या में दिखाई देने लगे। रीजन क्या निकला कि इन्होंने अपने अंदर रिप्रोडक्शन किया। अगर नहीं किया होता तो आज सैकड़ों की संख्या में ये ना दिखाई दिए होते। तो वहां पर ये सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह से इस मेथड को कहा गया है इन्फ्यूजन मेथड। नाम मैंने बताया हे इन्फ्यूजन मेथड क्यों कहा गया क्योंकि हे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले अमीबा में इस प्रकार का इन्फ्यूजन किया था इस प्रकार का संवर्धन किया था। तो आइए देखते हैं अब जहां पर जानने की आपको आवश्यकता है उस विषय में हम बात करते हैं। आकृति एवं संरचना में देखिए अमीबा को आपने देखा तो आप देखने में आपने देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं है तो यह एक कोशिक जीव हुआ। कैसा जीव हुआ एक कोशिक जीव हुआ। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है एक कोशिकीय जीव है। दूसरा तथ्य देखिए ध्यान से अमीबा के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर देखने पर आपको दो प्रकार के लिक्विड दिखाई देंगे। इसके अंदर देखने पर आपको दो प्रकार के लिक्विड दिखाई देंगे। एक लिक्विड आप देख रहे हैं बाहर की साइड में है
बाहर की तरफ जो लिक्विड है उस लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा होता है, वह लिक्विड गाढ़ा होता है जिससे इक्टोप्लाज्म बनता है। इक्टो मीन्स आउट, प्लाज्म मीन्स लेयर, लिक्विड आउटसाइड का लिक्विड कहा गया इक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म मीन्स इंड ऑन प्लाज्म अंदर रहने वाला द्रव, वह लिक्विड जो है इससे हल्का होता है। ये गाढ़ा द्रव है या हल्का द्रव है ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर यही होता है कि बाहर का मॉलिक्यूल जो होता है वो पास पास होते हैं इक्टोप्लाज्म और ये जो अंदर का है वो इंडोप्लाज्म, वो जो है उसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको इंडोप्लाज्म बोला गया, इसको इक्टोप्लाज्म बोला गया। ध्यान दीजिए, अब यही जो आपने इंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म कहा इसी को हम आगे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कभी नोट करने का विषय है, तो यही जो जहां पर ये गाढ़े द्रव हैं, जहां पर द्रव क्या है गाढ़ा है उसको प्लाज्मा सॉल कहा गया। क्या बोला गया? प्लाज्मा सॉल बोला गया, क्योंकि ये गाढ़ा है। और उसके बाद जो यहां पर ये हल्के हैं लिक्विड बेस में है उसको कहा गया प्लाज्मा जेल। ध्यान दीजिएगा, सॉल जेल, सॉल कहां हो गए ऊपर की साइड में और जेल कहां आ गए नीचे की साइड में। तो मास्टर और पेंटिन ने अपनी थियरी में कहा कि सॉल जेल सिद्धांत अमीबा में लोकोमोशन जो होता है सॉल जेल थियरी के बेस पर भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सॉल जेल थियरी भी आपको ध्यान में रखना है, सॉल जेल थियरी क्या होती है। तो मैंने अभी ये सिर्फ आपको बताया कि ये इक्टोप्लाज्म है इंडोप्लाज्म है, इसमें मुख्य रूप से ये देखते हैं अमीबा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको स्टडी करने के लिए जो है थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया जीव कला, ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं जिसको कहा गया, ये ऊपर की साइड में एक मेम्ब्रेन है जो बायोटिक मेम्ब्रेन, एक जीव कला है, एक प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जीव कला है। और उसके बाद जो इसके अंदर कोशिकांग है, अब कोशिकांग में आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके अंदर जो है कोशिकांग को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी जो है हैरानी होगी कि एक अमीबा के अंदर इस प्रकार के जो है पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें केंद्रक पाया जा रहा है, माइटोकांड्रिया पाए जा रहे हैं, इस तरह से केंद्रक है इसमें जो है, इस तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से माइटोकांड्रिया भी पाए जा रहे हैं, केंद्रक हो गया माइटोकांड्रिया हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जा रहा है, संरचनशील धानी जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसके साथ ही साथ हमारे फ्रेंड्स गॉल्गी बॉडी है, इस तरह से गॉल्गी बॉडी ऐसे 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 गॉल्गी बॉडी लगी हुई है, राइबोसोम लगा हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि इसी के पास से सब करके निकलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से आपने देखा लाइसोसोम यहां पर पाया जा रहा है, जब जिसको जो है लाइसोसोम, ध्यान देंगे लाइसोसोम जिसको कहा गया, लाइसोसोम को कहा गया आत्महत्या की थैली, क्यों? क्योंकि अमीबा जो भी पाएगा, जो न्यूट्रिशन करता है, भोजन जो करता है उसके बेस पर जो भी इसको मटेरियल मिलता है वो मटेरियल को गबल कर लेता है, निकल जाता है, खा ले जाता है। माय डियर फ्रेंड, जब ये जो भी मिलेगा उसी को खा ले जाएगा, तो कभी इसको टॉक्सिक मटेरियल भी मिल सकता है, विषाक्त पदार्थ भी मिल सकते हैं, तो वह विषाक्त पदार्थ को भी ये खा ले जाएगा। ऐसी कंडीशन इसको बचाने का कार्य करता है लाइसोसोम, जब टॉक्सिक मटेरियल मींस आपने देखा कि एक यूकैरियोट के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आपने इस फिगर की सहायता से देख लिया कि सारे पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, विद्यमान हैं। तो माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गॉल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, खाद्य धानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी, और इस तरह से आपने इसके प्लाज्मा लेमा में भी देख लिया, एक लेमा पाई गई, एक लेमा में परत पाई गई जो इसको कवर किए हुए है, ये सारे लिक्विड को फायर में उसको कवर किए हुए है। लेकिन अभी ये प्रोटोजुआंस में, प्रोटोजुआन, प्रोटोजुआन प्रिमिटिव एनिमल्स में है, अमीबा एक प्रिमिटिव एनिमल्स में है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसकी थिकनेस देखें, इसकी जीवकला की थिकनेस को देखें तो 1 से मैक्सिमम 2 माइक्रॉन मोटी होती है इसकी थिकनेस, और अगर थिकनेस को छोड़ दिया जाए तो अमीबा प्रोटीयस 0.6 मिलीमीटर जो है ये लंबा होता है। फिर भी इसकी औसतन लंबाई देखी गई
जो है वो 0.2 से 0.5 मिलीमीटर तक देखी गई। लेकिन अमीबा प्रोटियस अभी अब तक का सबसे लंबा अमीबा देखा गया। लेकिन ध्यान रहे कि ये जितने भी हैं ये सबके सब एक माइक्रोस्कोपिक विजन करने पर ही आपको दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर ही आपको दिखाई देंगे। ये नहीं कि सिंपली आपको जैसे जनरल जो आपने ले लिया वाटर को, पानी को आपने ले लिया, उस तरह से लेकर के आप लगे देख रहे कि इसमें हमको अमीबा दिखाई दे रहा कि नहीं, अमीबा दिखाई दे रहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अमीबा आपको दिखाई देगा लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक विजन करने के पश्चात ही दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, एक इसमें जो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर में ये देखते हैं, स्ट्रक्चर देखा सामने का स्ट्रक्चर, इसका बोला गया हाइलाइन कैप, एक टोपी होती है, अग्रभाग होता है। अब पीछे के स्ट्रक्चर को यूराइड बोलते हैं, श्रिंकल होता है। जो पार्ट पॉइंटेड हो, शार्प हो, उसी साइड में अमीबा मोशन कर रहा होता है। अब जिस साइड में सिकुड़न होती है अमीबा, उस साइड से दूर हटता जाता है, अपने को पीछे की तरफ द्वारा की तरफ खींचता जाता है, पीछे से सिकुड़ता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मोशन को देखा जाए, यहां देखिए आप लिखा गया मूवमेंट और आगे की साइड भी लिखा गया, इट मींस मूवमेंट जनरली अकर इन फॉरवर्ड साइड, बैक साइड में नहीं, बैक साइड में यूराइड बना झुरी रहा, झुरियां बनती चली जा रही है। हमने तो यह समझाया, अभी देखिएगा आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा जब ये बताया जाए कि एक छोटे से अमीबा में कितने वैज्ञानिकों ने लोकोमोशन के विषय में कितनी थियोरियां दे दिया है। इसकी 10 थियोरी है, 10 थियोरी है, मैं भी सारी थियोरियों के विषय में अध्ययन करा रहा हूं आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि अमीबा में जो है ये मोशन जो हो रहा है ये स्यूडोपोडिया के द्वारा हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ स्यूडोपोडिया ही नहीं होते, एक लोबोपोडिया भी होता है। जब ये अंगुली जैसे अंगुली देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्लंट शेप में हो, इस तरह से हो, जब ये ब्लंट शेप में इसका उभार बन रहा हो तो इसको लोबोपोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोबोपोडिया। लेकिन यही लोबोपोडिया, पोडिया मींस पैर, लोबोपोडिया यदि पैर बन रहे हैं, और जब ये शार्प हो, पॉइंटेड हो, नुकीला हो, ऐसे यहां पर पॉइंटेड हो गया, यहां पर पॉइंटेड हो गया, तो इसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। तो पोडा भी, पोडा मींस लेग्स, पोडा भी इसमें दो टाइप के हो गए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोडा मींस लेग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेग्स, फर्स्ट स्यूडोपोडिया, सेकंड लोबोपोडिया। लोबोपोडिया होता है वह जो फिंगर लाइक हो, और स्यूडोपोडिया होता है वह जो पॉइंटेड हो, शार्प हो। तो इस तरह से देखा आपने कि स्यूडोपोडिया इसमें पाए गए। स्यूडो मींस होता है फॉल्स, पोडा मींस लेग्स, फॉल्स लेग्स, झूठा पैर, मिथ्या पैर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मिथ्या पैर का मतलब क्या हुआ? मिथ्या पैर का मतलब हुआ कि एक ऐसा पैर जो बनता भी रहेगा और बिगड़ता भी रहेगा, अर्थात लोकोमोशन की गति स्थिति में, गति करने की स्थिति में ये पैर बनेंगे, फिर जब आगे बढ़ जाएगा तो पीछे के पैर धीरे 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 समाप्त होते चले जाएंगे। तो ये पैर बन भी रहे हैं और बिगड़ भी जा रहे हैं, पैर बन भी रहे हैं और पैर इसके बिगड़ भी जा रहे हैं। तो ये अपने पोडा का फॉर्मेशन करता है, जिस पोडा का फॉर्मेशन करता है उसको स्यूडोपोडा बोला जाता है, लोबोपोडा बोला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये बेस पर अपने को स्थिर रखना चाहता है तो लोबोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब बेस पर लोकोमोशन करना चाहता है, आधार पर चलना चाहता है, तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से आप ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो पढ़ते हुए चले जाओगे, समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल से पॉइंट है। और देखिए, मैंने बताया कि जरा टू टाइप्स ऑफ लिक्विड आर अकर इनसाइड द अमीबा प्रोटियस, दो प्रकार के द्रव अमीबा प्रोटियस में पाए गए। पहला हो गया एक जो एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को कहा गया प्लाज्मा सॉल, और एंडोप्लाज्म को कहा गया प्लाज्मा जेल। तो प्लाज्मा सॉल ये गाढ़ा होता है, जेल जो है ये हल्का होता है। अब ये इसी सॉल जेल थियोरी के बेस पर ये मूवमेंट करेगा, गति करेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया, मैंने अमीबा के विषय में आपको बताया, एक सामान्य सा इतिहास मैंने आपको विषय में से बता दिया, और ये सारी थियोरियां मैंने बता दिया कि एनर्जी को फॉर्म करने के लिए माइटोकांड्रिया है, न्यूक्लियर केंद्रक इसमें पाया गया, इसको पूरा गवर्न करने के लिए न्यूक्लियस पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, गॉल्गी बॉडी पाई जा रही है, लाइसोसोम पाया जा रहा है, टॉक्सिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम पाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम संकुचनशील धानी पाई जा रही है, क्योंकि ये वाटर में ही है,
और इसकी लेवा जो होती है वाटर को आसानी से अब्जॉर्व करती रहती है। पानी के अंदर वाले जीव के अंदर ये क्रियाएं ज्यादा देखी गई कि वाटर को अब्जॉर्व करते रहते हो, ये वाटर इसके अंदर जो है भरता जाता है, फिलअप होता जाता है। जब वाटर इसके अंदर फिलअप होता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जब वाटर यहाँ पर फिलअप होता जाएगा तो इसे धीरे 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 आकार में इनके वृद्धि होती जाएगी, उत्तर उत्तर ये आकार इनका बढ़ता जाएगा। जब इनका आकार बढ़ेगा तो ये जो है धीरे धीरे पीछे की साइड में संकुचनशील धानी आएगी और ये बैक साइड में आकर के ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं पीछे की साइड में आकर के। इसे यहाँ पर आ गए, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद ये खुल गया, तो खुलने के बाद इसके अंदर के जो भी लिक्विड रहे ये सारे के सारे लिक्विड क्या हो गए, ये सारे के सारे लिक्विड जो है वो बाहर चले गए। तो वाटर बैलेंस को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन रखता है, बैलेंस बराबर जो है बनाए रखता है। इस तरह से देख लिया आपने। आइए अगला देखते हैं रिप्रोडक्शन के केस में। अंडे के अंदर रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि या तो बाइनरी फिशन से होगा, ऐसे जब अंडा अपनी स्थिति को बरकरार कर लेता है इस प्रकार से, एक सामान्य स्थिति अंडा की हो जाती है, तो यहाँ पर यह सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड चपटा होकर के जो है फैलेगा इस तरह से न्यूक्लियस चपटा हो जाएगा और चपटा होने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेगा इस तरह से, और यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये आकर के ऐसे मिल जाते हैं और इस तरह से एक अमीबा से दो अमीबुली तैयार हो जाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से एक अमीबा से दो अमीबुली आ गए, दो अमीबा का निर्माण हो गया। तो ये इसको कहा जाएगा बाइनरी फिशन। क्या बोला जाएगा? बाइनरी फिशन। एक मल्टीपल फिशन होता है डियर फ्रेंड, जरा उसको भी देख लीजिए। मल्टीपल फिशन जो होता है वो क्या होता है जरा उसको भी समझिए। ये अमीबा हो गया इस तरह से और ये अपने न्यूक्लियस को सबसे पहले ब्रेक करेगा तो छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा, इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। और जो न्यूक्लियस इसने फॉर्म किया है तो यहाँ पर आपने देखा कि जो न्यूक्लियस इसने बनाया है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ द्विध्रुव की थोड़ी थोड़ी मात्राएं जो होती है वो एकत्र हो जाती है और इस तरह से आपने देखा जब इस द्विध्रुव की थोड़ी थोड़ी मात्रा यहाँ पर एकत्र हो जाएगी इस तरह से, अब एक अमीबा के अंदर ढेर सारे अमीबा पैदा हो गए और ये एक्टोप्लाज्म लेयर इसकी जो है वो डैमेज होती चली जाएगी, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और सारे के सारे अमीबा यहाँ पर जो है वो फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए और सब अपना अलग अलग लोकोमोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक अमीबा से आपने देखा कि एक साथ में जो है सैकड़ों अमीबा तैयार हो गए। तो आपने देखा कि यह बहुविखंडन भी करता है और बाइनरी फिशन भी खंडन भी करता है, मल्टीपल फिशन भी इसके अंदर होगा और बाइनरी फिशन भी इसके अंदर होगा। तो इस तरह से अमीबा के आपने मोशन के विषय में, गति के विषय में आपने अध्ययन किया और समझा और गति के साथ ही साथ आपने अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जन्म की क्रिया कैसे होती है, इस क्रिया के विषय में आपने देखा और समझा कि अमीबा में जो वास्तव में जो है वह लोकोमोशन मूवमेंट किस प्रकार से होता है, चलन की क्रिया किस प्रकार से होती है, तो आपने चलन की क्रिया को समझा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा। अब आपको मैं बता दूं कि आउटर को वाल जो है पर आपने लिक्विड को देखा, ये लिक्विड जो है ये क्या है कि ये लिक्विड जो है ये डार्क है, गाढ़ा है और गाढ़ा होने के कारण जो है ये इसको कहा गया कि ये जो है इक्टोप्लाज्म आउटसाइड में ये एक लिक्विड है जो कि ग्रेन्यूलर है, कणिकामय है और ये डार्क है, गाढ़ा है और इसी को कहा गया कि ये जेल जो है सॉल है, क्या है सॉल और उसके अंदर का ये जेल, तो इनसाइड जो है जेल पाया जाता है, आउटसाइड में सॉल पाया जाता है। तो अब इसको ध्यान में रख करके इसमें सामान्य रूप से 500 to 600 क्रोमैटिन का मॉलिक्यूल होते हैं, क्रोमैटिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा क्रोमैटिन के मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीनों की लंबी चेन होती है अंडा के अंदर, प्रोटीनों की लंबी चेन होती है। केंद्रक तो आप देख ही रहे हैं, केंद्रक भी देख रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मी इसके अंदर पाया जा रहा है, देख रहे हैं फिलअप हुआ है। तो इस तरह से अंडा में ये सारे प्रक्रियाएं आप देख रहे हो, जिन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो है ये कर रहा है, चल रहा है। अब आइए देखते हैं अमीबा में लोकोमोशन। माय डियर फ्रेंड्स, अमीबा में लोकोमोशन, अमीबा में अगर हम लोकोमोशन को देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की थ्योरी चल रही है। पहला, अमीबा लोकोमोशन तो होता है उनके सोल्जर सिद्धांत, उनके जो है बॉडी को आप देख ही रहे हैं, एक कोश की है, यूनिसेलुलर है ये और ये लोकोमोशन सुडोपोडिया के द्वारा होगा। अब ये सुडोपोडिया के द्वारा होता है
पैर बनाते चलते हैं तो ये कब बनाएंगे पैर सामान्य रूप में। अयोगा को जब कुछ भी नहीं करना होता है तो एक होता है जिसको कहा जाता है एडिशन थियरी, आसन जो है एडिशन थियरी कहा जाता है आसंजन सिद्धांत। तो आसंजन सिद्धांत क्या होता है, संकुचन थियरी क्या होता है, आसंजन सिद्धांत क्या होता है, तो यह अपने बॉडी को एक साइड में सिकोड़ेगा, फिर जो है एक साइड से सिकोड़ेगा और एक साइड में सब फैलाता जाएगा, एक साइड से सिकोड़ता जाएगा, एक साइड से ऐसे फैलाता जाएगा, ऐसे धीरे धीरे सिकोड़ने फैलाने की क्रिया होती है, इसको आसंजन सिद्धांत कहा गया। अर्थात वह यहां पर एक साइड से जहां से सिकोड़ेगा वहां से तेजी से भाग करके प्लाज्मा सेल आएंगे और प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्लाज्मा सेल का जेल में कन्वर्ट हो जाना और पॉइंट पर देखा गया, बेस पर देखा गया, एटलॉस की थियरी इसकी देते हैं, उस एटलॉस की थियरी में आपको ये मिलेगा। सेकंड में देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मोशन वाली थियरी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन थियरी क्या होती है, इसको हिजमान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था माय डियर फ्रेंड, और सुलजे 1875 में हिजमान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और सुलजे ने 1875 में इनका समर्थन किया कि अमीबा जो होता है जो मोशन करता है। आइए देखते हैं, तो अमीबा में जो मोशन की क्रिया हो रही है इस तरह से देखिएगा, मैं एक सिंपल वे में समझाता चल रहा हूं आपको, इसका स्ट्रक्चर सिंपल बना रहा हूं। एक बेस हो गया, एक सतह हो गई, इसी सतह पर अमीबा को गति करना है सपोज दैट। अब ये इस तरह से आपने देखा कि ये देख लिया यहां पर इस तरह से, अगर हम यहां पर किसी मॉलिक्यूल को रख दें, ग्रेन्युलर मॉलिक्यूल को रख दें, एक ऐसे जो है कण को रखे हैं जो कि जिस जो कलर्ड हो, सपोज दैट रेड कलर का है, चूंकि ये इतनी तेज गति नहीं करेगा हम आसानी पूर्वक इसका विजन कर लेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक कण जो है ये धीरे धीरे ऐसे गति करता हुआ एक समय आएगा कि यहाँ पर आ गया, धीरे धीरे नीचे की साइड में आ गया इस तरह से, और ऐसे आगे बढ़ता 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 बढ़ता। अर्थात ये लुढ़का या लोटन के सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ रहा। सुलजे ने कहा कि यह बहुत ही सही है, सुलजे ने 1875 में इनके मत का समर्थन कर दिया। किसके मत का, हिजमान के, हिजमान ने जो अपना मत दिया था उसका समर्थन किया। तो दो सिद्धांत हो गए, संकुचन सिद्धांत और जो है क्या मैंने बताया आसंजन आसंजन सिद्धांत। तो आसंजन सिद्धांत में से भी आपने देखा संकुचन सिद्धांत से, तीसरी थियरी देखते हैं हमारी अपने कि तीसरी थियरी क्या है अभी तक लोकोमोशन की तीसरी थियरी क्या है। तो तीसरी थियरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहां से आप देखना स्टार्ट करेंगे। अब तीसरी थियरी में आइए कि फिगर बनाते चलते हैं। इसको कहा गया सतह तनाव सिद्धांत। सतह तनाव सिद्धांत में आप देखिएगा, सतह तनाव सिद्धांत में आप देखिएगा कि सतह तनाव सिद्धांत में ऐसे अमीबा जैसे जैसे लगता है कि ये तन रहा, इस तरह से अमीबा बनता है, इस तरह साया बना तन जाता फैल जाता है, इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर देखिए तनाव हो गया, फिर एक साइड से सिकुड़ता है, ये सिकुड़ता जाएगा पीछे की साइड से सिकुड़ता जाएगा, और ये देखिए यहां पर आ गया, ये सिकुड़ करके ये पीछे की साइड में आ गया, ये यहां पर आ गया और आगे की साइड में और ज्यादा फैल गया। अभी देखिए सतह तनाव, सतह पर ये एक साइड में फैल रहा है, जोंक नहीं जल्दी देखेंगे, जोंक जोंक हिरुनेरिया लीच लीच जैसे लीच चल रहा, जो एक साइड में तनते एक साइड में सिकुड़ते हैं, एक सतह तनाव सिद्धांत होता है। तो सतह तनाव सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत को बर्थोल्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1886 में। बर्थोल्ड ने 1886 में बताया कि सतह तनाव सिद्धांत के आधार पर यह चलता है। तो अगले इसके बाद मैंने बताया था जेनिंग्स ने क्या कहा, जेनिंग्स ने 1904 में कहा कि नहीं ये लुढ़काव लोटन गति के आधार पर चलता है, लुढ़काव है इसमें, ये जो सतह तनाव नहीं है बल्कि लुढ़काव है इसका, लुढ़काव गति होती है, ऐसे लुढ़कता है, ऐसे आपने आटे की गोली बना लीजिए उसको ऐसे जमीन पर हल्का सा लुढ़का दीजिए तो लुढ़कता हुआ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए स्लोप चाहिए ना, तो ये हायर की साइड से लोअर की तरफ जो इधर जो है ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये इसकी थिकनेस ज्यादा है, यहां पर देखेंगे इसकी मोटाई ज्यादा है और यहां पर पतला है, तो हायर से लोअर की साइड में, पतले से मोटे से पतले की साइड में ये ब्लड जो है इनके अंदर के फ्लूइड मींस लिक्विड का मूवमेंट ज्यादा होता रहता है, इसी को कहा गया जो है इस तरह से लिक्विड के फ्लो होने के सिद्धांत से इनके में इनमें मोशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि जेनिंग्स ने 1904 में
अमीबा वेरकोसा, अमीबा वेरकोसा ने इस सिद्धांत को देखा था और उसके विषय में अध्ययन कराया और बताया। और डेलिंजर ने कहा कि यह जो है लोकोमोशन में गति जो करता है उस थ्रू सीडोपोडिया करता है। देखिए उनके अनुसार कैसे होती है, जेनिंग्स के अनुसार। अब उन्होंने कहा कि इसमें सीडोपोडिया के द्वारा होता है, ऐसे एक अमीबा आपने देख लिया भेष हो गया इस तरह से। अब आप देखिए कि अमीबा बने यहां पर अमीबा इस तरह से देखा आपने, ये इस तरह से देखा आपने, ये देख लीजिए यहां, तो सीडोपोडिया बन गए ना यहां पर ये सीडोपोडिया बना और पूरे अमीबा जैसे लग रहा है पैरों पर चल रहा, फिर अगला ये सीडोपोडिया बन रहा है इस तरह से। सीडोपोडिया इस साइड से बिगड़ते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस साइड से बिगड़ते जाएंगे और आगे की साइड में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। ये आगे की साइड में बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से देखिए, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी फिर यहाँ पर आकर के ये जमीन पर ऐसे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से फिर ये पूरे के पूरे मटेरियल को अपने लेकर के साइड से खींच करके देखिए ये आगे चले गए। अब फिर ये आगे की साइड में बढ़ना शुरू करेंगे, फिर ये देखिए उभार बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, एक अपना उभार बनाना इस तरह से शुरू किया। तो ये इस तरह से पीछे से आगे की तरफ बहुत ही आराम से चलने की, जैसे चलते हैं फिंगर लाइक ऐसे, देखिएगा इस तरह से ऐसे 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 चलते चले जा रहे हैं, माने ये सीडोपोडिया के द्वारा आसानी पूर्वक लोकोमोशन करते चले जाते हैं। तो चलन गतिवाद जो है ये डेलिंजर ने दिया है 1906 में, और 1906 में दिया तो अमीबा प्रोटियस ने बताया कि ये चलन का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। सालजल सिद्धांत जो है ये मार्शल और पेंटी ने दिया है, हाइमन ने 1917 में इस थियरी को प्रोसीड किया बताया, लेकिन मार्शल और पेंटी ने जो इसकी पुष्टि कर नहीं, इन्होंने जो कहा वो सही कहा। तो सालजल सिद्धांत क्या बताता है इसको ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड। तो यह फिगर आप देख ही रहे हैं, तो फिगर में आप देखिएगा कि ये सबसे बाहर की साइड में जो है जेल पाया गया, अंदर की साइड में साल पाए गए, अंदर की साइड में साल पाया गया। तो सालजल सिद्धांत क्या होता है कि सालजल सिद्धांत में जो जल है वो तेजी से, उसकी गाढ़ा है, जाहिर सी बात है गाढ़ा वो तेजी से भाग नहीं पाएगा, लेकिन जो सॉल है लिक्विड वेस्ट में है तो इससे उसमें मूवमेंट होगा। तो ये तेजी के साथ यहाँ पर आते हैं, टकराते हैं आगे की साइड में, धीरे से यहाँ से इस साइड में, उस साइड में मोड़ जाते हैं। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ से आएंगे तेजी से, इस तरह से आकर के यहाँ पर टकरा करके इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में मुड़ जाते हैं इस तरह से, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से मुड़ जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर दोनों साइड में मुड़ जा रहे हैं, तो यार मोमेंट जो आया, गतिया जो आई, धक्का देने पर ये बन तो रहा सीडोपोडिया, लेकिन यहाँ पर जो है सॉल का जेल का सॉल में चेंजिंग हो रही है, और ये जो है सॉल यहाँ पर जो सॉल रहे यहाँ पर आकर के जेल में कन्वर्ट हुए, और धीरे धीरे फिर यही जेल यहाँ पर सॉल में कन्वर्ट हुआ। तो सॉल का जेल का सॉल में कन्वर्जन होता जाता है और अमीबा अपना मूवमेंट करता चला जाता है। तो इस तरह से भी अमीबा में मूवमेंट देखा गया, जिसको मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस सिद्धांत को हाइमन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया और उसको मास्टर और पेंटिन ने कह दिया 1923 में मास्ट ने कहा था, और 1925 में पेंटिन ने कहा कि यह सिद्धांत एकदम सही है कि जो है यह सॉल जल सिद्धांत के बेस पर अमीबा में मोशन होता है। तो आपने इस तरह से अभी अब तक 6 सिद्धांतों को देख लिया, अमीबा 6 सिद्धांत के बेस पर लोकोमोशन या गति की अवस्था गत कर रहा है। आइए सातवां सिद्धांत देखते हैं। सातवें सिद्धांत में बताया गया आणविक वलन फुलन सिद्धांत, जिसको कहा गया मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थियरी। मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थियरी क्या होती है माय फ्रेंड? मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थियरी, आप इसको ज्यादा सा ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग थियरी। तो अणुओं कैसे, मान लीजिए मैं एक अमीबा का फिगर यहाँ पर बना, देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये देखिएगा आप लोग, ये अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया, अब यहां काफी दूरी तक ये बेस पर अटैच है, डिस्टेंस काफी ले लिया है, अटैच है, और यहां पर ये धीरे से अपना क्या बना रहा है, सीडोपोडिया बना रहा है, ये धीरे से अपना सीडोपोडिया, नए सीडोपोडिया का निर्माण कर रहा है। अब यहां पर ये इस तरह से मूवमेंट तेजी के साथ आगे बढ़ेगा इस तरह से। वलन खुलन सिद्धांत, वलन खुलन बंद होना और खुलना, चलने चल के समय, अमीबा में लोकोमोशन करते समय
गति करते समय वल्लभ कुलन सिद्धांत जो दिया गया, तो गोल्डेयर और लॉर्क, गोल्डेयर और लॉर्क ने 1950 में 1950 में अपनी इस थियरी को दिया है और ये बताया कि इसमें जो अमीबा के अंदर जो प्रोटीन कैर होते हैं और लंबी लंबी जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये श्रृंखलाएं बनती और टूटती देव हैं। इसीलिए वलन खुलन, बनना एक साथ जुड़ जाना, एक चेन लंबी बना लेना और खुल जाना माने टूट जाना। तो एक बार लंबी चेन बनाकर फिर छोटी चेन बनाते हैं, लंबी चेन बनाएंगे फिर टूट कर छोटी छोटी चेन बनाएंगे फिर जुड़ करके लंबी चेन बनाएंगे, एक बार लंबी चेन बनाएंगे फिर ये लंबी चेन जो टूटेगी टूट करके छोटी छोटी चेन बनाएगी, फिर छोटी छोटी चेने ये जुड़ करके फिर एक लंबी चेन बनाएगी। तो वलन खुलन, वलन खुलन, इस तरह से वलन खुलन की थियरी को गोल्डेयर और लॉर्क ने जो आणविक वलन खुलन, वलन खुलन सिद्धांत दिया, गोल्डेयर और लॉर्क ने 1950 में दिया और इनके इस सिद्धांत को हक्सले ने 1954 में, हक्सले वैज्ञानिक साइंटिस्ट हक्सले ने कहा कि यह बहुत ही सही है और इसमें जो कोई एक्टिन और मायोसिन पेशियों की जरूरत नहीं है, विदाउट मसल्स इसमें लोकोमोशन हो रहा है, गति हो रही है। अर्थात उन्होंने भी, हक्सले ने भी इनके सिद्धांत की, मास्टर पेंटिंग सॉरी गोल्डेयर और लॉर्क के सिद्धांत की पुष्टि किया और यह स्पष्ट कर दिया 1954 में, स्पष्ट कर दिया कि जो थियरी गोल्डेयर और लॉर्क ने 1950 में दिया वो एकदम सही थियरी है, क्योंकि ये इनकी थियरी जब इन्होंने स्पष्ट किया, हक्सले ने जो स्पष्ट किया 1954 में, स्पष्ट 4 साल बाद स्पष्ट किया कि उनकी थियरी पूरी तरह से सही है। एलन का फव्वारा प्रदेश संकुचन मत, आठवीं थियरी देखिए, आठवीं थियरी है कि एलन का फव्वारा प्रदेश संकुचन मत माने फाउंटेशन जोन, फाउंटेशन जोन, फाउंटेशन जोन कलेक्शन, फाउंटेशन जोन कलेक्शन थियरी, फाउंटेशन जोन कलेक्शन थियरी, एलन का फव्वारा प्रदेश संकुचन मत, तो एलन का कहा जा रहा है, तो साइंटिस्ट एलन ने दिया, कब दिया, 1962 में दिया और अमीबा में लोकोमोशन के समय के विषय में बताया कि जैसे पानी की एक तेज बूंद होती है, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से आप देखिए पानी की एक तेज बूंद होती है, इस तरह से एक धारावाही स्थितियां देख रहे हैं, इस तरह से आपने देखा कि ये अमीबा हो गया और ये तेजी के साथ यहां से आगे बढ़ रहा है, फिर ये तेजी के साथ, इस तरह से आप देखिए, अब ये बीच से तो आगे बढ़ रहा है, यहीं पर पहुंच करके दोनों साइड में बेंड हो रहा है, इधर भी और इधर भी, यहां से तेजी से आगे चला, वलन कुलन सिद्धांत यहीं पर है, यहां पर आप देखिए यहां से तेजी से आगे की साइड में बढ़े, मॉलिक्यूल तेजी से आगे की साइड में बढ़े और बढ़ने के बाद यहां पर आकर के हाइलाइन कैप बनाते हुए, ट्यूब कैप बनाते हुए एक पीछे की साइड में फिर से मुड़ गए। तो इसको एलन ने बताया था, अपनी थियरी को एलन ने बताया था 1962 में, माय डियर फ्रेंड, इसीलिए एलन का जो है ये फव्वारा लगता है कि पानी का फव्वारा पीछे से छूट रहा हो, मरीन से जो इसके अंदर सॉल और जेल है उनके फव्वारे छूट रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया एलन का फव्वारा प्रदेश संकुचन मत। क्लियर हो गया, आइए देखते हैं रोनाल्डी और जहान का सिद्धांत क्या होता है, ना इसकी नवी थियरी है रोनाल्डी और जहान का सिद्धांत। तो रोनाल्डी और जहान ने 1963 में अपने सिद्धांत को बताया, स्पष्ट कर दिया कि जो है अमीबा में जो अमीबा में जो मोशन होता है, इनका नवा सिद्धांत में बता रहा हूं, रोनाल्डी और जहान का सिद्धांत, जिसमें ध्यान दीजिएगा मार्स और पेंटिंग का ही सिद्धांत माने सॉल जल थियरी, या आज भी सर्वमान्य है, आज भी ये थियरी को माना जा रहा है सॉल जल सिद्धांत को। तो लास्ट की थियरी है रोनाल्डी और जहान का सिद्धांत, रोनाल्डी और जहान ने 1963 में अपना एक मत प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल जो मार्स और पेंटिंग ने कहा है उसी सिद्धांत को उन्होंने कहा, जेल जो है वो साल में कन्वर्ट हो जाता है, साल जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन होता रहता है इनका, और जहां पर कन्वर्जन होता है वही इसका एक टॉप पॉइंट होता है, जो है शिखर बिंदु होता है, एक उच्च शीर्ष होता है, उसी उच्च शीर्ष पर इसमें जो है ये मोमेंट इसका होता है। इस प्रकार से आपने देख लिया और यहां पर मैंने 9 सिद्धांतों का अध्ययन कराया, 9 थियरियों का अध्ययन, 9 वाद बताए मैंने आपको,
अमीबा में लोकोमोशन के। न्यूट्रिशन के केस में माय डियर फ्रेंड, दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है मच्छकारिता को, अब पिनोसाइटोसिस कहा जाता है अंतर्वलन को। जाएगा दोनों पेट में, ध्यान से सुनिएगा, जाएगा दोनों पेट में ही ना, चाहे वो हम पी करके उसको पेट के अंदर कर ले, चाहे सीधा ऐसे दवा की तरह से खाए और निकल गए पूरा पेट में ले लिए। जब पूरे के पूरा खड़े मटेरियल को ही गवल कर लेता है अमीबा, घेर करके पूरे के पूरे मटेरियल को निकल जाता है अमीबा अपने सीडोपोडिया के द्वारा, अपने बहुत सारी चीजों को टीचरों ने इसके विषय में बताया होगा, जब ये अपने सीडोपोडिया के द्वारा घेर करके पूरे पूरे मटेरियल को गवल कर जाते हैं, निकल जाते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये भक्षकालता है। क्या है? भक्षकालता है, फैगोसाइटोसिस है। और जब ये किसी लिक्विड मटेरियल को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से बूंद बूंद करके अपने लिक्विड मटेरियल को लेता जाएगा, लिक्विड मटेरियल को ड्रॉप बाय ड्रॉप लेता जा रहा है, तो इस प्रकार के लेने की क्रिया को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। तो आपने देखा हमारी फ्रेंड कि ये भोजन को भी जो कर रहा है वो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा कर रहा है। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को लिया जाएगा, फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल को लिया जाएगा। इस तरह से अमीबा सॉलिड और लिक्विड दोनों मटेरियल को खाता जाता है, इसीलिए अमीबा को बोला गया होलोजोइक, सर्वभोजिता, जो कुछ मिलता जाएगा उसको ये खाता जाएगा, होलोजोइक है। आइए आगे देखते हैं, लास्ट का पॉइंट आपको बताते हैं कि अमीबा की थियरी में आपने देखा होलोजोइक थियरी, मैंने बताया कि अब इसके बाद ये फूड का बनना हो गया। जैसे अमीबा फूड को ले रहा है, जहां पर सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया, अब ये जो सीडोपोडिया यहां पर बना, तो सीडोपोडिया ने घेर करके एक फूड वैक्यूल बनाया, ये फूड वैक्यूल यहां पर बन गए, और इसके अंदर फूड वैक्यूल के अंदर यह भोज्य पदार्थों का जारण होगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर भोज्य पदार्थों का जारण होगा, और जारण होने के बाद धीरे 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 यही फूड वैक्यूल यहां से हट करके चले आते हैं, कहां पर चले आएंगे, यहां से हटकर धीरे धीरे पीछे से होते हुए चले आएंगे, यहां पर एक सतह पर आ जाएंगे, और जब ये सतह पर आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि सतह पर आने पर यहां पर ये देखिए कि धीरे से ये अपनी सतह पर आने पर ये यहां से इसको ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, ओपन हो जाता है, और ये मटेरियल यहां पर आपने देखा कि ये जो इसके अंदर का जो मटेरियल बाहर हो जाता है, अर्थात एक्सक्रीजन आसानी से ये कर देते हैं, उत्सर्जन आसानी से ये कर देते हैं। तो उत्सर्जन जो फूड वैक्यूल के रूप में बैक साइड में पीछे की साइड में आ रहा है, और आने के बाद ये प्लाज्मा लेमा से आकर अटैच हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, और जुड़ने के बाद वहां से बॉडी से बाहर हो जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से इसमें आपने देखा कि सिंपल से मेथड के द्वारा, एक सामान्य सी विधि के द्वारा, इसमें फूड को डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपने सारी चीजों को देख लिया, अमीबा में लोकोमोशन कैसे होता है, अमीबा में जन्म कैसे होता है, अमीबा का इतिहास क्या है, इन सारी चीजों के विषय मैंने आपको बता दिया, पिनोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस क्या है, ये सारी क्रियाओं को मैंने बताया, अमीबा में कितने प्रकार की गतियां होती हैं और किस साइंटिस्ट ने कौन सी गति को बताया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आपको अमीबा में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के विषय में, जितनी भी प्रकार की गतियां यहाँ पर आपने देखा, इन सारी गतियों के विषय मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, यह जो बताया मैंने अमीबा प्रोटीएस के विषय में, ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट सभी आपको मिलेंगे जिसके विषय में आप अभी नहीं जान रहे हैं, और एग्जाम करीब होता चला रहा माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्जाम ये करीब आता जा रहा है, और अभी आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है, तो इसके विषय में आपको शीघ्र जानकारी कर लेनी होगी, जल्दी से जल्दी आपको इसके विषय में जान लेना होगा। तो मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन से कादरी पर अपने इन सारे मेथड को, सारे टॉपिक को अपलोड करते चल रहा हूँ, आप लोग पर डे मेरा एक लेक्चर जो है देखते चलिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप सभी लोग सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद जो है इसको शेयर करिए, और शेयर करिए तो इस शेयर करने से मैंने बेनिफिट आपको बताया था कि वे बच्चे जो हमसे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वे बच्चे भी आसानी से हमसे जुड़ जाएंगे, और हमसे जो है जो उनको नॉलेज मिल रहा है वो नॉलेज उनको मिलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि यह जो टॉपिक का, जो आज का टॉपिक मैंने जो एक्सप्लेन किया है, या आज का टॉपिक मैंने डॉक्टर वीरवाला रस्तोगी की बुक से एक्सप्लेन किया है माय डियर फ्रेंड।
तो इस तरह से आज की थ्योरी यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।